देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी लोकतंत्र का कत्ल देश में करने लगी हुई है, और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी देश की राजनीति को बदलने के लिए निकले हैं शिक्षा और सेहत सहूलतों के जरिए, लेकिन जिस तरीके का डर, व्यापक डर आज बीजेपी और केंद्र सरकार के मन में दिख रहा है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए, उसकी वजह से इन्होंने आज ये असंवैधानिक, गैर संवैधानिक इलीगल एक्ट इन्होंने किया है कि अरविंद जी के घर पे रेड किया है, इसके बावजूद कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि 22 तारीख तक ईडी को जवाब देना है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी को, केंद्र सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब सारे का सारा देश इन लोकसभा इलेक्शन में जरूर देगा। बीजेपी लगातार ये रिएक्ट कर रही है कि समन 9 बार भेजा गया और फिर आज कोर्ट से भी जो चीजें हुई तो उसको लेकर प्रतिक्रिया, तो कोर्ट ने ये भी तो कहा है ना जी कि 22 तारीख तक ईडी जवाब दे, वो उनको पढ़ना नहीं आता या समझ नहीं आता, जब कोर्ट ने ही एक बार कह दिया है कि दैट मींस अगर 22 तक जवाब देने को बोला है 22 अप्रैल तक, दैट मींस उन्होंने अरविंद जी को 22 तारीख तक का समय दिया है, फिर इतनी जल्दबाजी क्या है इनको, सिर्फ इस करके क्योंकि इलेक्शन सिर पे है और पता है आज इनको कि अगर एक ही किसी पार्टी से, एक ही लीडर से बीजेपी को डर लगता है तो अरविंद जी से लगता है, इस करके आज इस तरीके का वो एक लोकतंत्र को कत्ल करने वाला उन्होंने कार्य किया है, जिसका मैं समझता हूँ कि लोग इसका मुंह तोड़ जवाब उनको जरूर देंगे। नहीं, वो तो देखिए जो भी फैसला होगा, जिस तरीके से होगा, हम सब तो हजारों लाखों लोग अरविंद जी के शागिर्द हैं, उनके उपासक हैं, जो भी फैसला अरविंद जी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी करेगी वो सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लीडर्स को वो मंजूर होगा। जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, क्या पंजाब में कल इसको लेकर किसी तरह का कोई जो है कुछ भी कोई आह्वान या कुछ ऐसा दिल्ली की तरह पंजाब में कोई? देखिए, अरविंद जी को सिर्फ पंजाब या दिल्ली नहीं, सारा देश प्यार करता है, और ये लोग भी जो आप देख रहे हैं या कल को जो पंजाब से भी आएंगे, सब जगह से आएंगे, वो खुद अपने आप चल के आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे या आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये देश में, देश को और देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में हर किसी का फर्ज बन जाता है यहाँ पे खुद उनकी सपोर्ट में पहुँचना। कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने भी की थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि उनके खाते जो है फ्रीज कर दिए गए, तो उस पर भी आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। कांग्रेस के नेता यहाँ पर है और कांग्रेस ने आरोप भी आज लगाया था। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि बीजेपी को आज, क्योंकि 10 साल में वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, आज डर लग रहा है, और जिस तरीके से गठबंधन दिल्ली में हुआ या इंडिया ब्लॉक का एक अच्छा मैसेज पूरे मुल्क में गया, उससे डरते हुए सभी, पहले हेमंत सोरेन, अब अरविंद केजरीवाल जी, इससे पहले हमारे मनीष जी को, संजय सिंह जी को बिना बात के आज 7 साल हो गए उनको अंदर किए हुए, अभी तक एक भी कोई बात उनके खिलाफ कोई ईडी प्रूव कर पाई है? जब ऐसा लोकतंत्र को आप कत्ल करने का कार्य करेंगे तो लोग चुप नहीं बैठेंगे, बीजेपी वालों को ये समझना चाहिए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।